दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एक डुप्लेक्स हाउस में बना हुआ स्टेयर केस के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसा स्टेयर जो है आप अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे दोस्तों, सच बोल रहा हूँ। ऐसा स्टेयर्स आप कहीं पे भी नहीं देखे हैं और आप देखेंगे भी नहीं। शायद एक नया इनोवेटिव आइडिया है अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर के द्वारा हो या फिर घर वालों के द्वारा या फिर सेंटरिंग कुत्तेदार के द्वारा। जैसे कि देखने में कैसा लग रहा है, जिगजैग तो लग ही रहा है, उसके अलावा जो डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस में फ़र्क है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये कैसा लग रहा है, देखिए तो हाँ यार एकदम बराबर जिगजैग वाला सीढ़ी लग रहा है, बट फ़र्क क्या है बोलते हैं, दो दो फिट दो फिट दो फिट। मतलब इससे क्या यूज़ होता है मैं बताऊँगा आप लोगों को। मेजर एडवांटेज क्या है दोस्तों, जब आप रॉड की कटिंग करते देखो उस समय आपको यूज़ होता है, थोड़ा सा ईजी होता है, ज़्यादा आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ऐसा कटिंग ज़्यादा नहीं रहता, कम से कम कटिंग में आप लोग बना सकते हैं। जो सेंटरिंग वाले रहते हैं उनको भी थोड़ा सा काम इजी हो जाता है, या थोड़ा सा हाइट ज़्यादा लिया जाता है रॉड कटिंग, नहीं तो छोटे 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 लेना पड़ता है आप लोगों को। और बाद में इन्होंने क्या किए, ये नीचे की तरफ जो रहता देखो, ये वाला नीचे का पोर्शन, आपके पास जो 2 फीट का प्लेट मिलता देखो, चाहे वो लगा सकते हैं या फिर लकड़ी लगा सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर रहेगा। हम कई बार देखे हैं सिर्फ 1 फीट का रहते हैं यहाँ तक, इसको ना इन्होंने एक एक फीट ज़्यादा लिया गया ये वाला। और उसके बाद सीढ़ी भी आना ना, टप्पा भी आना, तो टप्पा आना बोल के इन लोग क्या करे हैं, इसके ऊपर ये लिया गया, ब्रिक वर्क का काम किया गया, सो दैट इसमें जो है स्टेप्स जैसा नॉर्मल स्टेप्स रहते सेम उसी की तरह से डिवाइड किया गया। तो अभी आप बताइएगा इस तरह का मैं तो नहीं देखा हूँ, फिलहाल फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जिगजैग भी चाहिए, प्लस आपका काम भी इजी होना, प्लस ज़्यादा कुछ आपको झंझट नहीं होना, और नीट हुआ है काम, नीट किया गया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों ये वाला काम देख के, एकदम इम्प्रेस हो चुका है। और सीढ़ी के नीचे बाथरूम कैसा लिया जाता है देखिएगा, यहाँ से थोड़ी सी जगह मिल रहा था, उधर से जो आपको ज़्यादा जगह मिलता जाने के लिए, तो वहाँ से जो है टॉयलेट रूम लिया गया है। और बात करते हैं सरिया कितना एमएम का यूज़ किया है बोले तो, इसके अंदर 10 एमएम का सरिया यूज़ किया जाता, जो वर्टिकल रहता मेन बार रहता, और सेकेंडरी जो रिंग्स रहते वो 8 एमएम का यूज़ किया जाता, बट इसके अंदर लोहे का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, सो लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस तरह से एक आइडिया उनके द्वारा बनाया गया, जब आप नीचे से देखेंगे तो इस तरह से गया, नहीं तो ये जो झिकझैग रहते हैं देखो डिज़ाइन चेंज बहुत ज़्यादा आते हैं नॉर्मल सीढ़ी में। अब देखिएगा स्टेप्स यहाँ पर देखो, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 to 22 स्टेप्स आते हैं ना, तो ये जो आते हैं सिर्फ 10 टप आते हैं, फिर बाद में इन लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो थिकनेस है 5 इंच है, ये राइजर जो रहता देखो ये 1 फीट का रहता, बाद में इसको एक टप्पा बनाते हैं। और ये जो विड्थ रहता देखो थ्रेड, ये 2 फीट का रहता, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से बनाएगा ये वाला एक तरीके से। दोनों स्टेप्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरा फुल व्यू है स्टेप्स का, आपको भी कोई ना कोई एक आइडिया मिल जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।